ऐसा हमको जहाँ तक सुना है और देखा है पिछले महामस्तकाभिषेक में भी भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े लोग इस महोत्सव में आते हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आते हैं, सेंटर के प्रधानमंत्री वगैरह भी आए हैं। एक समय में इंदिरा गांधी भी जी भी आई थी यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, ऐसा हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। आज्ञा से हम लोग ने सब सेंट्रल मिनिस्टर एवं केंद्र के मिनिस्टर सबको आमंत्रण दिया है और उस निमंत्रण को सभी ने स्वीकार किया है और आने की स्वीकृति दी है। तो देखिए आप महामस्तक का अभिषेक में आज तक सब का योगदान रहा है, नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी सभी आएंगे, आते रहे हैं और आएंगे, ऐसा हमारा एक विश्वास है। जय जिनेन्द्र, जय गोमटेश। सो सब लोग तैयारी में लगे हैं, बहुत लोगों ने अपनी टिकट करा लिए और बहुत लोग टिकट करा रहे हैं, जिसमें कि और प्रेस मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। बाहर से आने वालों के लिए पूरी तैयारी है महामस्तकाभिषेक को साक्षी करने के लिए, तो हम लोग की पूरी तैयारी है। हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है, आइए और साक्षी कीजिए महामस्तकाभिषेक को, आपका सौभाग्य आपको बुला रहा है। जय जिनेन्द्र। जो भी मेले में आएंगे वो सौभाग्यशाली होंगे और जो क्षेत्र के लिए, मेले के लिए, महामस्तकाभिषेक के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटे से बड़ा जो भी सहयोग कर रहा है वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है, उसको कार्य करने का अवसर मिला है। हमारी टीम भी बड़ी सौभाग्यशाली है जिसको इतना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए सौभाग्य का होना बहुत ज़रूरी है और जिसको अपना सौभाग्य चमकाना है उसको भी यहाँ पे जरूर जरूर आना चाहिए। हमारे बीच में श्रीमान कमल कुमार जी साहब ठोलिया, चेन्नई निवासी, आपका उत्साह लगन अतुलनीय है। पिछले एक साल से ये स्वामी जी की सेवा में लगे हुए हैं, महामस्तकाभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं। आप पंच कल्याण कमेटी के अध्यक्ष हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं इस बारे में आपसे निवेदन है। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। चारू कीर्ति स्वामी जी के आशीर्वाद से और सरिता जी के अध्यक्ष आदेश से ये पद मेरे को मिला है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की है, काफ़ी इंद्र इंद्राणी बनाए हैं और हर जगह से, पूरी इंडिया से हमने अलग अलग छाट के ऑल इंडिया से जितना भी हम लोग ले सकते थे उस हिसाब से हमने इंद्र बनाए हैं। और इसमें हमने जो व्यवस्था की है ठहरने की, खाने पीने की और जो भी हमने व्यवस्था की है बहुत अच्छी करी है।